देखिए क्या कह रहा है, ए कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फॉर ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. तो क्वेश्चन को समझ लीजिए, एक इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, वह कुछ आर्टिकल वहाँ पर डे बना रही है ना जी, पोल्ट्री आर्टिकल कुछ पर डे बना रही है. अच्छा, एक दिन ऑब्जर्व किया गया एक पर्टिकुलर डे में कि जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है वह नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस का 3 मोर है. तो वह यहाँ जबकि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है एक दिन का 90 रुपीज़ है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा हमें बताना है. तो हम लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ इच आर्टिकल इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस से 3 मोर है. चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इतने आर्टिकल प्रोड्यूस है और हर एक आर्टिकल का इतना कॉस्ट है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट नहीं निकल जाएगा, यानी कि x इंटू में 2x + 3 इक्वल टू में 90 रुपीज़, यही ना टोटल कॉस्ट है. यहाँ 2x² प्लस का 3x हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे -90 इक्वल टू में 0. फैक्टर करते हैं, यहाँ देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, है ना जी, देख रहे हैं ना जी, माइनस का 180x² आ जाएगा. तो यहाँ फैक्टर करते हैं 2x² और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं आपका प्लस का 15x और माइनस का 12x - 90 इक्वल टू में 0, इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए अब यहाँ पर कॉमन हो जाएगा आपका इन दोनों में से x, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस का 15, ठीक है, और यहाँ पर x कॉमन होगा तो 2x प्लस का 15 आ गया. अच्छा, और यहाँ पर क्या कॉमन होगा, तो यहाँ हम लोग कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6 कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 2x और प्लस का 15, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, कॉमन कर लेते हैं 2x प्लस 15 को, तो यहाँ x और यहाँ -6 इक्वल टू 0. अलग अलग अब यहाँ से कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस 15 इक्वल टू में 0 और x -6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू -15/2 जो कि पॉसिबल नहीं है, और x का वैल्यू 6. यहाँ पर लिख देंगे कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी निगेटिव नहीं ना हो सकता है, यानी कि x का वैल्यू 12, तो यहाँ पर लिख सकते हैं hence number of articles इक्वल टू में 6, एंड यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ इच आर्टिकल क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू में x और प्लस में 3 रुपीज, 6 × 12 = 15 रुपीज़ हो जाएगा यहाँ पर हर एक आर्टिकल का कॉस्ट. समझ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन